नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से IND हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एवरीडे सेविंग रुपे डेबिट कार्ड के बारे में। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ने एवरीडे सेविंग्स अकाउंट भी लॉन्च किया है। इसमें आपको अलग प्रकार की बेनिफिट देखने को मिलेगा जो अब तक आपको कोई भी सेविंग्स अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को नहीं मिला है। बेनिफिट वह बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं डिटेल पूर्वक। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, कैसे अकाउंट खोलना है, डेबिट कार्ड की क्या बेनिफिट है, सेविंग्स अकाउंट की क्या बेनिफिट है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हो और यहां पर लिखा हुआ है एवरीडे सेविंग्स अकाउंट। चलिए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो बताया गया है कि आप लोग जो पैसे मेंटेन करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में, वो नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप मंथली यानी कि महीने में कम से कम 30 टाइम ट्रांजेक्शन कर लोगे तो ये जो आपका मेंटेनेंस एवरेज बैलेंस वाला जो लफड़ा है वो समाप्त कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी होता है फिर भी चार्ज नहीं काटे जाएंगे। अगर आप 30 टाइम ट्रांजेक्शन मंथ में नहीं कर पाते हैं तो आपको 20,000 रुपया आपको मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा। एक बात का विशेषता ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 ट्रांजेक्शन करना है ना, ये आप UPI या फिर आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर NEFT कर सकते हैं। तो इतना तो सब कोई कर ही लेता है। तो एक तरह से मानकर चलो ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी क्राइटेरिया है जो कठिन नहीं है, काफ़ी आसान है। चलिए उसके बाद आपको पावर पैक्ड डेबिट कार्ड भी मिलता है इसमें, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो, ये है एवरीडे रुपे डेबिट कार्ड, ठीक है। अब ये डेबिट कार्ड जो कि आप देख सकती हैं, यहाँ पर इस कार्ड पर क्या क्या ऑफर मिलेगा इस चीज़ को भी आप देखिए। बुक माई शो पर 20% की इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा, इजी डिनर पर 30% की ऑफ, ऐसे करके और भी ऑफर्स है यहाँ पर। जितने सारे ऑफर हैं देखो, यहाँ पर संडे मंडे ऐसे करके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑफ़र बदलते रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ अभी ये ऑफ़र है तो कल आपको यही मिलेगा। हो सकता है कल इससे ज़्यादा मिल सकता है या फिर इससे कम मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रत्येक दिन करके आपको ऑफ़र मिलेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है। और कि लुक के बारे में बात करें तो ये डेबिट कार्ड है जो कि आप देख सकती हैं एवरीडे लिखा हुआ, और रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए एवरीडे रुपे डेबिट कार्ड जो है फ्री मिलता है, मतलब कोई भी इश्यूएंस चार्ज आपसे नहीं किया जाता है। और हायर लिमिट ट्रांजेक्शन आपको इसमें मिलती हैं। इस डेबिट कार्ड से आप 3 लाख रुपया तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ATM विड्रोवल के बारे में बात करें तो 1 लाख रुपया जो कि यहाँ पर डेली लिमिट की बात है, तो ATM से 1 लाख रुपया तक निकाल सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अनलिमिटेड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कोटक बैंक के ATM से, और दूसरे बैंक के ATM में जहाँ पर 3 और 4 महीने का मिलता है वहाँ पर आपको 10 फ्री ATM ट्रांजेक्शन आपको मिलते हैं अदर बैंक के ATM में। बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती है। हायर इंश्योरेंस कवर भी मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंश्योरेंस की बात करें, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी 3.5 लाख रुपया, परचेस प्रोटेक्शन 1 लाख रुपया, लॉस्ट बैगेज इंश्योरेंस 1 लाख रुपया, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 50 लाख रुपया का मिलता है, और पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर आपको 25 लाख रुपया का मिलता है। ये बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल जाता है। और अगर हम चार्ज बताएं एनुअली, तो सेकेंड ईयर से जो एनुअल चार्ज इसके लिए देना पड़ेगा वो मात्र 250 रुपया ही देना पड़ेगा। देखा जाए तो ये वाला जो रुपे डेबिट कार्ड है वो वीजा और मास्टर कार्ड को टक्कर दे सकती है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। चलिए देखिए यहाँ पर बताया गया है कुछ डिटेल्स, जिसमें कितना तक के डिपॉजिट करती हैं, कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो 4% के अनुसार से इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप बैलेंस रखते हैं सेविंग्स अकाउंट पर तो वो आप अर्न कर सकती हैं, प्लस में कितना बार पैसा जमा वगैरह कर सकती हैं। फ़ी और चार्जेस के बारे में बात करें तो फ़ी और चार्जेस के बारे में पहले ही मैं कुछ जानकारी आपको दे चुका हूँ, बाकी के आप यहाँ पर देख सकती हैं। जानकारी दिया गया है कि अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते हैं या फिर जो ट्रांजेक्शन की क्राइटेरिया है उसे पूरा नहीं करती हैं तो किस तरह से चार्ज
चार्जेस लगाए जाएंगे यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। फंड ट्रांसफर में RTGS वगैरह जो आपको मिलता है सर्विसेज वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ भी बता दी गई है। और यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा सारा कुछ आपको मिल जाएगा, तो ये चीज़ें आप देख सकती हैं, नॉर्मल आपको मालूम ही होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में बात करें, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि यह अकाउंट को आप ऑफलाइन खोल सकते हैं, ऑनलाइन नहीं खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत होगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड आप दे सकती हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी आप दे सकती हैं, बैंक अकाउंट की पासबुक भी कोई है तो आप दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर प्रूफ, इसमें क्या होता है, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जिस पर सिग्नेचर किया हुआ रहता है वो आपको ज़रूरी होती है। उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी ज़रूरत होती है। अब अकाउंट कैसे खोल सकती हैं, तो अकाउंट के लिए कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना होता है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पिन कोड, सिटी और यहाँ पर ब्रांच का नाम आपको सेलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एग्री करना है और अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट करते हैं, आपको एक पॉपअप नज़र आता है जिसमें बताया जाता है कि आपके तरफ से रिक्वेस्ट ले लिया गया है, 24 घंटे के भीतर रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करेंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे वही आपका अकाउंट खोल कर जाएंगे, जो आप जहाँ पर उपलब्ध रहेंगे वहाँ पर वो विजिट करेंगे और अकाउंट खोल कर जाएंगे। तो इस प्रकार से एवरीडे सेविंग्स अकाउंट आप खोल सकते हैं, जो कि मैंने डिटेल्स के साथ जानकारी दे दिया है। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और वाकई में यह एक एक्सक्लूसिव कार्ड है और एक्सक्लूसिव सेविंग्स अकाउंट है, जो कि हर तरह के फैसिलिटी से लैस है। प्लस में 30 ट्रांजेक्शन करना तो आसान है, तो जीरो बैलेंस ही समझिए, और प्रतिदिन नया नया ऑफर वगैरह देखने को मिलेगा, जो इसमें रुपए डेबिट कार्ड मिलते हैं और इंश्योरेंस के बारे में तो पूछो ही मत, बहुत अच्छा इंश्योरेंस की फैसिलिटी हायर वैल्यू के साथ मिलती है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता होगा कि क्या हम एवरीडे डेबिट कार्ड जो है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हैं जो पहले से खुलवा रखे हैं, तो इसके लिए कोई भी अपडेट नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है यहाँ पर आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रीफर किया गया है एवरीडे सेविंग्स अकाउंट को। लेकिन फिर भी आप अपने जो आपके नज़दीक में जो भी ब्रांच होंगे वहाँ से आप एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप कोई दूसरा वेरियंट का अकाउंट खोल चुके हैं, उस स्थिति में एवरीडे सेविंग्स अकाउंट में आ सकते हैं या फिर एक नया एवरीडे सेविंग्स अकाउंट खोल सकती हैं। इसके लिए भी आप अपने नज़दीकी ब्रांच से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं या फिर ग्राहक अधिकारी से बात कर सकती हैं, या फिर फॉर्म जब डालते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनसे ये बात पूछ सकती हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस सेविंग्स अकाउंट को खोलिए अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं। बाकी आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।